नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कंप्रेसर के बॉडी यानी क्रैंक केस के गैस को कैसे खाली करें, कैसे वैक्यूम करें इसके बारे में। एक्चुअली दोस्तों, कई लोगों ने पूछा था कि कंप्रेसर के बॉडी के गैस को कैसे खाली करें, उसके क्रैंक केस के गैस को कैसे खाली करें इसके बारे में। दोस्तों डेफिनेटली अधिकतर लोगों को ये पता होगा, फिर भी मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको इसके बारे में पता नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों मैं दो तरीके बताऊंगा जिसे कंप्रेसर के बॉडी यानी क्रैंक केस के गैस को आप खाली कर सकते हैं, और वो भी बिना गैस को बाहर निकाले, ठीक है दोस्तों, बिना गैस को बर्बाद किए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हमें गैस को बर्बाद नहीं करना है और कंप्रेसर के बॉडी को खाली करना है, इसके लिए दोस्तों प्लांट में दो कंप्रेसर होना बेहद जरूरी है। यानी अगर एक कंप्रेसर का गैस खाली करना है तो दूसरा कंप्रेसर चलाकर उसे वैक्यूम कर सकते हैं, उसके क्रैंक केस को वैक्यूम कर सकते हैं। चलिए बताता हूँ कैसे करना है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों कि ये जो कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर के गैस को वैक्यूम करना है, इसके क्रैंक केस को खाली करना है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें इसका जो सेक्शन वाल्व है, यानी जो सर्विस वाल्व है सेक्शन का, उसे हमें खोल देना होगा, पूरी खोल देंगे उसे, और यहाँ जैसे डिस्चार्ज जो वाल्व है उसे बंद कर देंगे, ठीक है। डिस्चार्ज वाल्व बंद रहेगा और सेक्शन वाल्व पूरी तरह खुला रहेगा, बाकी कोई भी वाल्व खोलना या बंद करना नहीं है, क्योंकि बाईपास जो है ये सभी बंद रहेगा, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ और भी कई वाल्व है जो आपको बंद करना होगा। सबसे पहले देख सकते हैं कि अगर इवोपरेटर से जो आ रहा है सेक्शन लाइन, तो जितने भी चैम्बर हो तो सभी का वाल्व बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर चार चैम्बर है, तो चार इवोपरेटर से चार लाइन आ रहा है, तो चार वाल्व को हम बंद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर दो कंप्रेसर है तो दोनों कंप्रेसर का अगर हेडर के पास में वाल्व दिया होगा कंप्रेसर का सेक्शन का, तो वो खुला रहेगा, ठीक है, दोनों खुला रहेगा। अब दोस्तों हमें दूसरे कंप्रेसर को चलाना है, ठीक है। तो दूसरे कंप्रेसर को स्टार्ट करके जिस तरह नॉर्मल प्लांट चलता है उस तरह प्लांट को चलाएंगे और सेक्शन लाइन को वैक्यूम करेंगे, ठीक है, सेक्शन लाइन वैक्यूम करेंगे, क्योंकि इवोपरेटर का जो लाइन है ये सभी बंद हो चुका है, केवल दूसरे मशीन का जो है सेक्शन लाइन खुला हुआ है, तो वहां से उस क्रैंक केस का गैस ये मशीन खींच लेगा, ठीक है। खींचकर जब ये जीरो के आसपास आ जाए, सेक्शन इसका जीरो के नीचे या जीरो के आसपास आ जाए, तो हमें दूसरे कंप्रेसर का सेक्शन वाल्व को बंद कर देना है, पूरी तरह बंद कर देना है, ताकि ये फिर इसे इसमें प्रेशर ना आए, ठीक है। अब इसका जो क्रैंक केस है ये बिल्कुल ही खाली हो चुका होगा। अगर आपके कंप्रेसर में कोई ड्रेन वाल्व लगा है, जिस तरह यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी डिस्चार्ज में भी लगा हुआ है, तो और अगर इस तरह का लगा होगा तो खोल कर इसे थोड़ा बहुत प्रेशर होगा। वैसे तो इसमें प्रेशर बिल्कुल नहीं होगा, अगर माइनस में आपने किया है तो ये हवा खींचेगा, ठीक है। अगर बाय चांस थोड़ा बहुत प्रेशर होगा, आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ से कोई पाइप लगाकर वाल्व खोलकर निकाल सकते हैं, या अंदर हवा भी खींच सकता है, तो हवा खींचने देंगे ताकि अंदर वो हवा भर जाए और बड़ी आसानी से क्रैंक केस के ढक्कन को, जो साइड कवर का जो ढक्कन है, या कोई भी काम इसके अंदर का कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप एक कंप्रेसर को दूसरे कंप्रेसर से वैक्यूम कर सकते हैं, वो भी इसमें बिल्कुल भी गैस बर्बाद नहीं होगा, बाहर नहीं निकलना होगा। तो ये दोस्तों, ये तो हो गया एक कंप्रेसर से दूसरे कंप्रेसर को वैक्यूम करना, ठीक है। अब बताते हैं दोस्तों कि अगर एक ही कंप्रेसर है तो उसी कंप्रेसर से उसी कंप्रेसर को वैक्यूम करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मान लेते हैं इस कंप्रेसर को वैक्यूम करना है, ठीक है, और इसी कंप्रेसर से इसी कंप्रेसर को वैक्यूम करना है, तो सबसे पहले हम और कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं और नॉर्मल जिस तरह प्लांट चलता है उस तरह चलाएंगे। तो सक्शन का वाल्व हम बंद कर लेंगे और डिस्चार्ज खुला रहेगा। अब हम कंप्रेसर को स्टार्ट कर लेंगे। तो दोस्तों कंडेंसर का पंप स्टार्ट हो चुका है, अब हम स्टार्ट करेंगे कंप्रेसर का जो स्टार्टर है उसको। तो कंप्रेसर मैंने स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो जब तक लोड आता है तब तक इंतजार कर लेते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि सेक्शन वाल्व जो है कंप्रेसर का, जो स्टॉप वाल्व है, ये बंद है, ठीक है।
ये पूरी तरह बंद है और डिस्चार्ज का जो है, डिस्चार्ज जो है ये खुला रहेगा, जो कंप्रेसर का डिस्चार्ज है। बाकी जितने भी बाईपास वगैरह है सभी बंद रहेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों कंप्रेसर लोड में आ चुका है और देख सकते हैं कि 25 है सेक्शन। अब इसमें लोड और देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इस वाल्व को हम बंद कर लेंगे पूरी तरह। देख सकते हैं दोस्तों जीरो पे आ गया है। अब हम कंप्रेसर को बंद कर लेंगे, जीरो आ गया है दोस्तों। अब हम कंप्रेसर मैंने बंद कर लिया है, देख सकते हैं कंप्रेसर बंद हो गया है और सेक्शन मैंने बंद कर दिया। तो इसका जो बॉडी है अपने आप खाली हो चुका है, वैक्यूम हो चुका है। अब ये डिस्चार्ज लाइन का जो वाल्व है इसे हम बंद कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसे बंद कर लेते हैं दोस्तों फटाफट। तो देख सकते दोस्तों कि इसका सेक्शन भी बंद हो गया है और डिस्चार्ज भी बंद हो गया है। अब दोस्तों इसमें कहीं से और से गैस आने की रास्ता नहीं बचा है। अब देख सकते हैं दोस्तों कि जीरो के आसपास प्रेशर है क्रैंक केस का, इसका बॉडी है, बॉडी का प्रेशर जीरो के आसपास है। अब इसका जो डिस्चार्ज लाइन है, देख सकते हैं कि वाल्व से लेकर और नीचे तक यहाँ इसमें प्रेशर है कितना, यहाँ 140 के आसपास प्रेशर है। तो ये प्रेशर आपको निकालना होगा, ठीक है। 140 प्रेशर है लेकिन ये बहुत कम है, क्योंकि इतना ही पाइप में है, ये बॉडी में प्रेशर बिल्कुल नहीं है, क्रैंक केस में प्रेशर नहीं है, केवल इस पाइप में है, ठीक है। यानी कि इसमें बहुत कम प्रेशर है, तो इस प्रेशर को हमें निकालना होगा। निकालने के लिए दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो वाल्व लगा है, ड्रेन वाल्व जो डिस्चार्ज लाइन से दिया हुआ, देख सकते हैं डिस्चार्ज लाइन से है। अब इसमें हम कोई एक पाइप लगा लेते हैं, कोई भी पाइप आप प्लास्टिक का लगा सकते हैं, तो मैं प्लास्टिक का एक पाइप लगा लेता हूँ इसमें। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे पास एक पुराना गैस चार्जिंग जो पाइप है, गैस चार्जिंग पाइप है, इस पाइप को हम उसमें टाइट करेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हम सिंपल सा टाइट कर दे रहे हैं, तो ये मैंने टाइट कर दिया दोस्तों। अब इसको थोड़ा अच्छी तरह टाइट कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ड्रेन वाल्व में एक पाइप मैंने टाइट कर लिया है। अगर आपके पास इस तरह पाइप ना हो तो आप सिंपल पाइप इस पाइप पर चढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं कि इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर है 120 से नीचे आ चुका है, क्योंकि इसका जो प्रेशर है ये क्रैंक केस में आ गया है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो पाइप है देख सकते हैं, इस पाइप को एक बाल्टी में पानी रख कर उठवा देंगे इसमें, क्योंकि ये अमोनिया गैस है, तो अमोनिया गैस पानी में घुलनशील होता है, इसलिए इस गैस को हम पानी में निकाल देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा गैस बचा हुआ है। अब मैं इस वाल्व को खोलता हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ से खोल रहा हूँ दोस्तों। तो देख रहे हैं दोस्तों कि प्रेशर जो है इसमें निकल रहा है, सुनाई दे रहा होगा। और यहाँ देख रहे हैं कि सेक्शन जो डिस्चार्ज प्रेशर है कितना जल्दी नीचे आ गया, कुछ सेकंड में आ गया, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रेशर कम है, प्रेशर ज़्यादा है लेकिन जगह कम है, इसलिए उतना ही प्रेशर उतना ही जगह में था, इसलिए उसमें गैस बहुत कम था। अब इसे पूरी तरह खोल देंगे, देख रहे मैंने पूरी तरह खोल दिया, ठीक है। ये पूरा खुल गया है दोस्तों और ये लगभग ख़त्म हो गया। यहाँ देख सकते हैं कि जीरो के आसपास आ गया डिस्चार्ज प्रेशर। अब ये प्रेशर निकालना बंद हो जाए तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये पूरी तरह निकल गया है और इसमें से निकलना बंद हो गया है, बिल्कुल ही नहीं निकल रहा है और सभी जीरो हो गया। देख रहे हैं सभी जीरो हो गया है, ठीक है। सभी घड़ी जो है, जो प्रेशर गेज है, सभी जीरो हो गया है। अब बड़ी आसानी से जो भी काम करना हो इस कंप्रेसर में, ऑयल चेंज करना हो, फिल्टर चेंज करना हो, क्रैंक केस खोलना हो, साइड कवर खोलना हो, हेड खोलना हो, कुछ भी ए टू जेड आप इस कंप्रेसर के साथ में कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।